ढोल नगाड़े बजाते हुए थाना मऊ दरवाजा पुलिस बार राजस्व टीम ने 70,09,60,000 की संपत्ति की कुर्क। बसपा नेता अनुपम दुबे की अर्रा पहाड़पुर स्थिति भूमि गैंगस्टर अधिनियम की धारा के अंतर्गत हुई जब्तीकरण की कार्रवाई। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76। फरुखाबाद बसपा नेता अनुपम दुबे की अर्रा पहाड़पुर स्थित भूमि गैंगस्टर अधिनियम की धारा के अंतर्गत जब्त की गई। थाना मऊ दरवाजा प्रभारी आमोद कुमार सिंह, सदर तहसीलदार व अन्य अधिकारी ढोल लंगाड़े के साथ मौके पर पहुंचे। संख्या 926, 927, 929, 997, 1001, 1002, 1004, कुल 7 गांठें हैं जिनका कुल रकबा 4.381 हेक्टेयर है। ये अब तहसीलदार सदर के रूप में मैं इसके प्रशासक हूँ। इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य इत्यादि या कोई भी स्थानीय व्यक्ति इस पर कब्जे का प्रयास नहीं करेगा, अन्यथा उसके विरुद्ध संगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। यह संपत्ति अब सरकार में नहीं। आपको बता दें कि तहसीलदार सदर व थाना मऊ दरवाजा पुलिस की मौजूदगी में बसपा नेता अनुपम दुबे की अर्रा पहाड़पुर स्थित भूमि पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त की गई। आपको ये भी बता दें कि ये भूमि अवैध व अनैतिक रूप से ट्रस्ट श्री हनुमान जी महाराज विराजमान मंदिर अर्रा पहाड़पुर भाग संख्या 436 अनैतिक प्रकार से अर्जित की गई, जिस पर गिरोहबंदी तरीके से 16 लोगों को प्लाटिंग कर अनुपम दुबे के भाई अनुराग दुबे डब्बन एवं अभियुक्त प्रभात कुमार गुप्ता ने अवैध रूप से बेची, जिसकी कीमत लगभग 2,29,38,000 रुपए बताई जा रही है। मौके पर तहसीलदार सदर ने बताया, फरुखाबाद में अनुपम दुबे और उनके सहयोगियों के माध्यम से ये ग्राम अदा पहाड़पुर की कुल 7 कृषक भूमिया 7 खसरा संख्या जिनका नंबर 926, 927, 929, 997, 1001, 1002 और 1004, कुल क्षेत्रफल जिसका 4.381 हेक्टेयर है, ये इनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई थी, जिसे जिलाधिकारी महोदय द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) में कुर्क करके मुझे प्रशासक नियुक्त किया गया। तो आज इसका भौतिक कब्जा प्राप्त किया हम लोगों ने स्थानीय थाना मऊ दरवाजा के सहयोग से। अब ये जमीन का रकबा 4.381 हेक्टेयर है और अनुमानित कीमत इसकी लगभग 70 करोड़ रुपए है। जितनी भी संपत्ति कुर्क की गई है ये किसके अंडर में रहेगी? ये मेरे प्रशासन में, अभी फिलहाल गैंगस्टर एक्ट की इनकी जितनी भी संपत्तियाँ हैं सारी मेरे ही प्रबंध में। मैडम कहा जा रहा है कि संपत्ति में कुछ लोगों के बैनामा किए गए थे, कुछ लोगों के सर इसमें नाम किए गए थे, उनके बारे में क्या किया इसमें? क्योंकि जिलाधिकारी महोदय ने 14(1) में कुर्की का आदेश जो है वो समुचित सुनवाई करके पारित किया है। अब किसी भी अगर निजी व्यक्ति को या प्राइवेट पार्टी को कोई आपत्ति है तो धारा 15(1) में एक सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में वो इसका आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। मैडम की इन लोगों को इतने के जिनके पैसे लगे हैं इनके बैनामा पर उनको क्या पैसे दिए जाएंगे या उनको संपत्ति वापस की जाएगी? ऐसा कोई मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि संपत्ति जो है मूलतः जो है वो ठाकुर जी विराजमान ट्रस्ट जो हनुमान जी के नाम की संपत्ति है और लोगों द्वारा अवैध रूप से इसको बेचा गया है जो कि बिल्कुल भी विधि संगत नहीं है, तो मुआवजे का कोई प्रश्न नहीं। आपको ये भी बता दें कि इस भूमि में कई गाटा संख्या है जिसका क्षेत्रफल 13.810 हेक्टेयर है और ये 16 लोगों को बेची गई। मौके पर मौजूद शिकायतकर्ता ने नाराजगी जताते हुए तहसीलदार पर आरोप लगाते हुए वह कार्रवाई से असंतुष्ट होकर कहा। उन्होंने उसके बाद 3 जनवरी 1941 को हनुमान जी के नाम वक्फ कर दी, उसका जिल्द नंबर 22(1) और जिल्द संख्या 37(1) लगाए 65 पर 3 जनवरी 1941 को पंजीकृत अभिलेख है इसका। उस पर डॉक्टर अनुपम दुबे के गुर्गों ने संडे के दिन पत्रावलियां बनाई गई, संडे दिन दायरा किया गया, संडे दिन बाद दफ़ा 5 किया गया, संडे के दिन वकालतनामा दाखिल किया, संडे दिन बहस की डेट लगाई गई और इस संबंध में मैंने तहसीलदार को बहस में भी बताया। तहसीलदार ने मेरी हर चीज़ को अंदर ही देखे हुए साजिश और षड्यंत्र के तहत इस जमीन को अपने अंडरटेकिंग में लेकर डॉक्टर अनुपम दुबे भूमाफिया के लिए काम किया है और जिससे मैं बेहद नाराज हूँ। और यदि ग्राम प्रधान को यदि जनपद का अधिपत्य दिया गया तो मैं इसके लिए तहसीलदार के खिलाफ में खड़ा होऊंगा, क्योंकि तहसीलदार ने जो अधिपत्य आज किया है वो हमें एक इस पर न्याय नहीं, इसका जो है इंचार्ज और रिसीवर दीपाली भार्गव को बनाया जाए नगर मजिस्ट्रेट को, मैं उनसे बेहद मुझे कोई कष्ट नहीं है। यदि तहसीलदार के पास इसका अधिपत्य रहा तो हम ये समझेंगे कि अनुपम दुबे के पास इसका कब्जा है आज भी। नहीं, जिलाधिकारी पास को मैंने
1/5/2023 को प्रार्थना पत्र ने दिया है इसी संबंध में कि इस संपत्ति का रिसीवर जो है दीपाली भार्गव जी को बनाया जाए, बल्कि तहसीलदार को नहीं। तहसीलदार को यदि बनाया गया रिसीवर तो अनुपम दुबे का कब्जा माना जाएगा। मैं तो इस बात पे जिलाधिकारी ने क्या आपको आश्वासन, जिलाधिकारी ने मुझे कार्रवाई का आश्वासन दिया, उस पर अधीनस्थ अधिकारी को कार्रवाई करके भेजा गया प्रार्थना पत्र। अब अधीनस्थ कार्रवाई का प्रार्थना पत्र कहाँ जाता है, क्या होता है, इसका अभी मुझे जानकारी नहीं दी गई, ना मेरे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया। आप क्या मांग रहे हैं? मांग क्या है? मांग मेरी यह है कि इसका रिसीवर जो है गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में रहे, 145 को लग रहे, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इसका जो रिसीवर है वो दीपाली भार्गव को बनाया चाहिए नगर मजिस्ट्रेट, और ये दीपाली भार्गव को इसका रिसीवर नहीं नियुक्त किया गया तो तहसीलदार के पास यदि इसका अधिपत्र रहा तो हम ये सोचेंगे डॉक्टर अनुपम दुबे ने 145 में अपने नाम को लग करा दिए। जैसे